हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पहले पिछला 2.1 किया था, आज अपन करते हैं 2.2 एक्सरसाइज 2.2। इसके अंदर क्या है, प्रॉपर्टीज दी हुई है, 5 प्रॉपर्टीज है, उनके आधार पर अपन इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिंग एज वेल एज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग होल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि पहले किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो आगे पीछे, सम क्या जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। जैसे अपना 12 है इंटू 43 इंटू 24 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही नंबर आना चाहिए, और 12 है 24 और 43 इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आना चाहिए, ये बोलते हैं ये प्रॉपर्टी। कर लोगे इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड आउट द सम ओ बाई सूटेबल रीअरेंजमेंट, यानी कि इनको अरेंज करना है सूटेबल की इजी वे में आंसर आ जाए। तो अगर अपन 918 के पास 82 रख दें तो ये क्या 1000 हो जाएगा, तो यही अपन को करना है 263, तो ये भी 1000 और ये भी 1000, तो 1000 प्लस 1000 इक्वल्स टू 2000। उसके बाद थर्ड, फाइंड द प्रोडक्ट वाइज सूटेबल रीअरेंजमेंट, बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी सूटेबल रीअरेंजमेंट करना है कि जीरो बन जाए। तो अगर अपन करें 125 को 4 से मल्टीप्लाई इंटू 25 को 8 से मल्टीप्लाई, तो 125 को 4 से करेंगे तो कितना हो गया 500, और 25 को 8 से करेंगे तो 200 हो गया, तो 5 टू जा 10 और 4 टाइम्स 0, एकदम इजी हो गया। क्योंकि आप अगर ऐसे करते 125 को 25 से मल्टीप्लाई करते 8 से और 4 से करते तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाती, तो अपन ने देखा कि 5 4 जा 20 होता है, इधर भी 5 8 जा यानी कि 0 बन रहा है कैसे न कैसे, तो अपन ने इस तरीके से किया। उसके बाद सेल्व द सोल्व द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी आल्सो द नेम। इसमें सुटेबल प्रॉपर्टी क्या है, अगर अपन 567 को कॉमन ले लें तो अपने पास एक तो बच रहा है 14 और एक बच रहा है 6, तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो 567 था एक बार 14 में डिस्ट्रीब्यूट किया एक बार 6 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये अपना आ गया 567 इंटू 20। ये आ गया इसका आंसर, बिल्कुल इसी तरीके से इसका, इसको भी अपन इसी तरीके से बना सकते हैं, 100-1 99 को लिख सकते हैं 100-1, यहां लगाए ब्रैकेट लगाए तो भी ठीक है, ना लगाए तो भी कोई बात है नहीं, तो 100 एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार 1 से कर दिया, या अपन डायरेक्ट 99 से करते हैं तो बहुत हार्ड हो जाता। अब क्या है, अपन को 876 को माइनस करना है, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 15 में से 8 गए 7 और इधर 6 बचा तो 6 8, ये आ गया इसका आंसर, हो गया असेसमेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देर आर 18 गर्ल्स एंड 12 बॉयज इन एवरी सेक्शन ऑफ क्लास 6, यानी क्लास 6 है उसके सभी सेक्शन में 18 गर्ल्स है एंड 12 बॉयज है। देर आर 12 सेक्शन, और इस तरीके के कितने सेक्शन है 12 है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देर इन क्लास 6, तो डिस्ट्रीब्यूट और की तो बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई किया अपन ने 18 प्लस 12, क्योंकि 12 गर्ल्स है 18 गर्ल्स है और 12 है बॉयज है, टोटल तो इतने है, कितने है 20 और 30, यानी टोटल तो एक क्लास में कितने है 30, और ऐसे कितने क्लास हैं, कितने सेक्शन है 12 है, तो 12 इंटू 30 360 स्टूडेंट्स। ये हो गया।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है इसका, इफ ए इक्वल टू 81 एंड बी इक्वल टू 9, वेदर ए अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन ए, ए अपॉन बी ए डिवाइड बाई बी, ए कितना है 9, ए कितना है 81 अपॉन बी कितना है 9, तो अपना आया आंसर 9, एंड बी अपॉन ए यानी कि 9 अपॉन B को डिवाइड करते A से, तो अपना आंसर आता है 9 अपॉन 81 प्लस टू 1 अपॉन 9, इसका आया आंसर 9 और इसका आया 1 अपॉन 9, तो दिस इज नॉट इक्वल, दस दिस इज नॉट इक्वल। अब है क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ वन चार्ट पेपर इज 5 रुपीज, वन मार्कर पेन इज 18 रुपीज, नीता नीड्स टू बाई 6 चार्ट पेपर एंड 6 मार्कर, यानी 6 6 6 ही दोनों इसको, तो वापस से 6 कॉमन आ रहे हैं, तो 6 कॉमन आ रहे हैं अपना और 5 प्लस 18, तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो वाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 6 और ये कितना आया 23, 138 रुपीज, ये आ गया इसका आंसर। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। ओके, थैंक यू।